शुरू किया जाए। रिकॉर्डिंग? ठीक है। तो मानवीयतापूर्ण आचरण पे कुछ बात हुई ना, तो किसी को कुछ पूछना हो, बोलना हो तो बताइए। एक मुद्दा है छोटा सा, आइडेंटिटी का, है ना। अभी बिटिया आई एक, ये तो इनसे बात हो रही थी तो ध्यान में आ गया, तो मेरे को लगता है सबके साथ ही शेयर कर लिया जाए वो, कि मानव की पहचान कैसे बनती है, मेरी आइडेंटिटी क्या है ना। क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आइडेंटिटी क्राइसिस है ना सब जगह। तो मैं और मेरी पहचान एक मुख्य मुद्दा है, और हम सबके घर परिवार में बच्चे हैं ही, है ना। किसी के भी थोड़े छोटे होंगे, किसी के बड़े हो रहे हैं, ये सब प्रश्न आएंगे ही सामने, ये आने शुरू हो चुके होंगे, है ना। तो आइडेंटिटी के तीन आयाम हैं। एक तो है, मैं थोड़ा इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग करूँगा, है ना, क्योंकि ये थोड़ी देर में बिटिया के लिए लगाऊंगा, है ना। इनकी कुछ बात थी तो इनको थोड़ी स्पष्ट हो जाए, आई हैं थोड़ी देर के लिए तो इनको कुछ मिले, आप लोगों के लिए भी सबके लिए यूज़फुल है। बिल्कुल। जैसे ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन ही है, मेरा बेटा 13 साल का है, टीन एज में आ गया, तो अभी पिछले 4-5 महीनों से ये प्रॉब्लम है कि मैं उसके साथ हैंडल नहीं कर पाती। हम दोनों का ट्यूनिंग अच्छा है, हाँ। पर अभी हम दोनों माने हस्बैंड वाइफ है, बेटा और आपका? बेटा, मैं और मेरा बेटा, हाँ। हम दोनों का, हाँ। तो उसके साथ मैं बिल्कुल खुल के बात कर सकती हूँ, वो भी मेरे साथ बिल्कुल खुल के बात कर सकता है, पर अभी 3-4-5 महीनों से ऐसा कुछ हो गया कि उसको जो हर चीज़ करनी है वो हर चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि उसको नहीं करनी चाहिए। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल, उसको पूरे दिन वो मोबाइल में गेम खेलना है, उसका कॉमन आंसर ये कि सबकी मम्मी खेलने देती है, तू ही एक नहीं करने देती। फिर उसको बाल लंबे करने हैं और उसको हेयरबैंड लगाना है। क्या बात है, अच्छा। उसको लगे? बोलता है कि बस मेरे क्लास में बहुत सारे बच्चे करते हैं तो मुझे भी करना है, हाँ। तो मतलब ऐसे ऐसे वो छोटे मुद्दे, सब छोटे छोटे, पर मना क्यों करते? जैसे कि वो गेम में ध्यान उसका डाइवर्ट हो जाता है, फिर वो कोई बात नहीं सुनता। नहीं, वो गेम का नहीं, बाल लंबे करने के लिए क्यों मना करते? मुझे नहीं अच्छा लगता। और उसे अच्छा लगता? हाँ। फिर उसको बाल में तेल नहीं डालना है, मैं उसको बोलती हूँ कि उसको लगाना चाहिए, वो अच्छा रहता है। मतलब ऐसे बहुत छोटी छोटी बातें, कोई इश्यू नहीं है, पर मुझे ये पता है कि मुझे हैंडल करना नहीं आता। इश्यू तो है, नहीं तो आप इतनी बड़ी सभा में क्यों बात कर रहे हो? मतलब मैं यही बोल रही हूँ कि मुझे हैंडल करना नहीं आता, हाँ। तो शायद ये है कि मुझे, जैसे अभी आपने वो पहचान का बोला ना, कि वो अपनी पहचान शायद इससे वो इंडिकेट करना चाहते, ऐसा तो नहीं है, इसीलिए मुझे ये क्वेश्चन अभी ध्यान आ गया। ठीक। तब वो टीनेज को कैसे हैंडल करना, उसको भी बीच में बोल दी। ठीक बात है। तो देखिए क्या था कि बच्चे, हमने पिछली बार भी थोड़ी सी बात की थी इस पे, मानव जो है उसकी शरीर यात्रा में अलग अलग स्टेजेस हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो मानव की शरीर यात्रा में मानव का जन्म होता है, और शरीर यात्रा पूरी होने के वक्त उसकी मृत्यु होती है, ये दो पहले पकड़ना है। इसके बीच का जो टाइम है इसको शरीर यात्रा कहते हैं, इसमें अलग अलग स्टेजेस हैं, है ना। एक तो बिल्कुल शिशु अवस्था है ना, मान लीजिए पहले 5 वर्ष को हम शिशु अवस्था कह देते हैं, है ना। फिर उसकी शिक्षा की एक स्थिति आती है ना, 5 वर्ष की आयु के बाद स्कूल जाना शुरू होता है, उसकी शिक्षा पूरी होती है 17-18 साल की आयु में आके, है ना। फिर उसके अंदर कुछ वो या तो कुछ काम में लगे या और शिक्षा करेगा, है ना, तो 20-22 साल की आयु के बाद फिर तो कोई व्यवसाय करने की बात है उसकी। ये जो अलग अलग स्टेजेस हैं, इसमें अलग अलग तरीके से पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं, इसको हमें पकड़ना पड़ेगा।
तो 10 साल की आयु तक बच्चे के अंदर आज्ञा पालन की प्रवृत्ति होती है, आप बोलोगे वो करेगा। अब उसके आगे चला गया वो तो 3 साल तक सब्र में रहा, पर आप चेंज नहीं किए। अब वो उसको मालूम ही नहीं है कि उसको अपने को एग्जर्ट करना है, वो अपनी इंडिविजुअलिटी को अब वो उजागर करेगा आपके सामने, आपको चेंज होना है। अब वो आज्ञा पालन में नहीं रहेगा, अब वो तार्किक विधि से चलेगा, और तर्क में आप बता रहे हो उसे कि मुझे अच्छा लगता है, ये कहाँ खड़ा होएगा तर्क। वो बोलता है मुझे अच्छा लगता है, तो इसमें तो कोई मतलब, इसमें तो दोनों ही बराबर के तर्क है ना, तर्क ही नहीं है दोनों के पास, है ना। मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, अब उसका शरीर है उसको अच्छा लगता है, वही चलना चाहिए फिर। तो ये जो मुद्दे हैं, अब वो पहले इन सब पे आपकी बात मान लेता था, आपकी परेशानी ये, अब बात नहीं मान रहा है, तो पहले तो ये आपको स्वीकारना पड़ेगा, अब वो आपकी बात नहीं मानेगा। अगर वो तर्क संगत नहीं है तो बात नहीं मानेगा। अब उसको उसकी विचार शक्ति जो है उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया वो, अब वो आपसे प्रश्न करेगा, पर प्रश्न में संतुष्ट होगा तो आपकी बात स्वीकारेगा, नहीं तो नहीं स्वीकारेगा। इस स्टेज को बोलते हैं अनुशासन। अनुशासन होता है तर्क के आधार पर जीने का नाम। तार्किक विधि से, तर्क संगत विधि से जीना चाहता है, समझना चाहता है, करना चाहता है। जब तक ये तर्क संगत नहीं होगा वो नहीं स्वीकारेगा, और तर्क संगत लगेगा खट से स्वीकार लेगा, ये भी आप जांच के देख सकते हैं। फिर आता है स्वनुशासन, उसके आगे 5 साल है ना, ये 14-15 साल तक अनुशासन की स्थिति है, उसके आगे है ना, किसी के 15 में कि 16-17 है ना, वो कोई ऐसी फाइन लाइन नहीं है। तो उधर अब वो केवल अपने अधिकार पे जीना चाहता है, पूरी इंडिपेंडेंस चाहता है, वो अपने को समझदार और जिम्मेदार के रूप में पहचान चाहता है, चाहे वो समझदार जिम्मेदार हुआ है या नहीं हुआ है। तो शिक्षा का काम, परिवार का काम ये था कि वो जब तक उस आयु में आए तब तक उसको समझदार और जिम्मेदार बना दे, वो तो हम कर नहीं पाए। उसकी मानसिक स्थिति वहाँ पहुँच गई है कि वो अपने को चाहता है उसकी वैसी पहचान, है ना। आप बोल के देखिए किसी बच्चे को 17-18 साल के, तुम समझदार नहीं हो, कैसा लगता है उस बच्चे को, है ना। आपको ही कोई बोल दे कि आप समझदार नहीं हो, कैसा लगता है ना, स्वीकार नहीं होता ना। या कोई बोल दे जिम्मेदार नहीं हो, बहुत खराब लगता है, वो उनको भी लगना शुरू हो चुका है। जबकि उसके लिए प्रमाण कोई नहीं है उनके पास अपनी समझदारी को दिखाने के लिए, जिम्मेदारी। आप लोग के पास तो बहुत सारे प्रमाण है, परिवार की जिम्मेदारी को देख रहे हो, है ना, समाज में कोई भागीदारी कर रहे हो, उन्होंने अभी नहीं किया वो सब, पर वो पहचान चाहते हैं वो, ठीक है ना। तो उस आयु तक आते आते तक शिक्षा में उनकी एक स्थिरता आ जानी चाहिए थी समझ की, उनमें सही गलत का निर्णय करने की समझ आ जानी चाहिए थी, तब तक वो नहीं हम दे पाए। तो अपने मनमानी के हिसाब से कुछ करते हैं आप, उसमें उनकी कर्म स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करते हो, उनको स्वीकार नहीं होता है ना। जो कि अनुशासन की आयु में बिना तर्क के आप उनके कर्म स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर रहे हो, उसको स्वीकार नहीं होता है। तर्क के साथ कर दो, तर्क स्वीकार के आपको हस्तक्षेप करने देगा, है ना। तो ये तो आयु के साथ हमें भी एज अ पेरेंट ग्रो करना है ना। फिर स्वनुशासन की आयु के बाद अब आप पेरेंट के रूप में नहीं है, वो बराबर हो गया, अब उसके साथ समझदार और जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में बात करनी पड़ेगी आपको। वो आपको भी क्वेश्चन कर सकता है, आप भी उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब आपको सभा विधि से चलना पड़ेगा, आपको एक शिष्टतापूर्वक वार्तालाप संवाद पूर्वक चलना पड़ेगा उसके साथ, अपनी बात को पूरी तरीके से स्पष्ट, उसकी बात को पूरी तरह से सुनना पड़ेगा, जैसे हस्बैंड वाइफ में होता है या ब्रदर सिस्टर में होता है, जो बराबर वालों के साथ जो भी होता है, कुलीग्स के साथ होता है, वैसे ही बच्चे के साथ करना पड़ेगा एक 22-23 साल की आयु के बाद। पर अगर आप तैयार नहीं होगे तो आप चाहोगे कि 25 साल का युवक भी आपके बच्चे की तरह रहे, आप बोलो तो उसको आज्ञा पालन करे वो, है ना। अभी तो ऐसा भी अपेक्षा बनी है 50 साल का हो गया फिर भी उसको माँ बाप के आज्ञा पालन करना, तो ये हमारी गलत अपेक्षाएं हैं, यही पीड़ा का कारण बनती हैं, यही परस्परता में दबाव बनती हैं। तो अपेक्षा आयु के साथ हमारी भाई जो स्थिति है सामने वाले की, उसको ध्यान में लाएंगे कि नहीं लाएंगे हम, ठीक है। तो इसका थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा हमें।
तो लाइफ स्टेजेस जो हैं ह्यूमन बीइंग की, या आयु की जो अलग अलग स्थितियां हैं शरीर यात्रा में, जन्म से शिशु काल है ना, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, इतनों को हमें देखना पड़ेगा। इसके अंदर मानसिकता कैसी रहती है, इसमें मुख्य कार्यक्रम क्या है, इस अवस्था का प्रयोजन क्या है, क्या क्या चीज़ें हो गई। तो आयु अवस्था है ना, इसमें आ गया, तो जैसे उसका प्रयोजन क्या है इस आयु अवस्था का, ठीक है, इसमें क्रियाकलाप या कार्यक्रम क्या है, ठीक है, इसमें सफलता का आधार क्या है, क्या क्या सफलता का मापदंड क्या है, हर आयु अवस्था के साथ ये तीन चीजों को देखा जाए, है ना। एक और चीज जुड़ी जा सकती है इसके साथ कि इसमें मानसिकता किस प्रकार की होती है ना, इसको हम शिशु, शिशु का मतलब हो गया जन्म से लेके 5 वर्ष की आयु तक मान लीजिए, ठीक है, बाल्यावस्था इसको आप मान लीजिए 6 से 10 साल की आयु तक, किशोरावस्था 11 से 15 है ना, युवावस्था 16 से 20 है ना, 20 22 जो भी मानना हो है ना, फिर प्रौढ़ावस्था उसके बाद अगले 20 25 साल, और फिर वृद्धावस्था। अब प्रौढ़ावस्था की भी इनिशियल स्टेजेस के अंदर एक है कि भाई जब उनका विवाह नहीं हुआ है या अभी अभी हुआ है ना, तो उसकी एक स्टेज है तैयारी की, तो विवाह करने के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, थोड़ी देर चर्चा करें इस पे, शादी करने के क्या प्री रिक्विजिट्स हैं बताइए, बेटा आप बताओ शादी करने के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए, हाँ क्या मतलब है उसका, माइक में बोलो, ऑन कर लेना। हर तरह की समझ, यानी मैच्योरिटी होनी चाहिए, फिर लाइफ की जो सिचुएशंस आए अच्छी बुरी कुछ भी, उसे टैकल करने की समझदारी होनी चाहिए। वेरी गुड, और कोई बात, ठीक है, आप लोग बताइए कुछ और। स्वावलंबन होना चाहिए है ना, मतलब उनके जो मटेरियल नीड्स को पूरा करने के लिए उनके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए, ठीक है, और बताइए, इतने में सफल हो जाएगा तो क्या होना चाहिए और बताइए ना। ये सब तो काम के मुद्दे हैं ना, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी की बात है, परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां है उसका ख्याल होना चाहिए। हाँ, तो परिवार, परिवार व्यवस्था की समझ होनी चाहिए, परिवार की जिम्मेदारियों की समझ होनी चाहिए, है ना, और बताइए भैया। शादी का प्रयोजन मालूम होना चाहिए। बिल्कुल, शादी का, तो शादी करने जाए तो उसका प्रयोजन तो मालूम ही होना चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए बताइए, प्रयोजन शब्द समझते बेटा, शादी का प्रयोजन। हाँ ठीक, रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर्स डिसीजंस। हाँ ठीक, तो रिस्पेक्ट होनी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, और बताइए बताइए, इतने पूरा हो जाएगा, इतने में क्या लक्ष्य, दोनों का लक्ष्य एक रूपता बहुत इम्पोर्टेंट है कि मानव लक्ष्य के लिए
ये मतलब वो विवेक होना बहुत जरूरी है, उस अर्थ में ही पूरा आगे बढ़ना है। तो लक्ष्य की एकरूपता होना बहुत जरूरी है, और वो तभी होगी वो जब मानव लक्ष्य के अर्थ में होगी। तो वो केवल दो के लिए नहीं है, देखिए क्या, दोनों के लिए तो लक्ष्य एकरूपता चाहिए, मानव लक्ष्य होने से उनको समाज का भी सहयोग मिलेगा, है ना, नहीं तो दो लोग तो कुछ भी लक्ष्य बना के चल ही सकते हैं साथ, लेकिन बाकी लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा। आजकल क्या होता है भाई, हम दोनों मिलकर खूब कमाएंगे, खूब ऐश करेंगे, ये लक्ष्य बन जाता है, बाकी लोगों का सहयोग नहीं मिलता उसमें, और परेशानी बन जाती है फिर, है ना। माँ बाप रोज़ फ़ोन कर देते हैं, कभी कोई शिकायत हो जाती है, भाई बहन कोई शिकायत कर देता है, कुछ हो जाता है, तो इसमें सब बाधाएं लगती हैं, फिर बोझ लगने लगते हैं संबंध सारे। तो मानव लक्ष्य के अर्थ में लक्ष्य एक रूपता होगी तो बाकी लोगों का भी सहयोग मिलेगा। ठीक है, और बताइए, दोनों मिलकर परिवार में कैसे बेटरमेंट कर पाए, समाज में कैसे बेटरमेंट कर पाए, सोसाइटी में और पूरी व्यवस्था में सह अस्तित्व में कैसे उनकी भागीदारी है उनको समझ पाए, उनकी जिम्मेदारी के साथ में उनका व्यवहार हो पाए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फिर दोनों को साथ में समझ के एक रास्ते पे समझदारी के साथ चल करके उनका लक्ष्य तक पहुँच पाए। बढ़िया, बहुत बढ़िया, और बताइए। और दोनों मिलकर के आने वाली जो पीढ़ी है उन दोनों से फिर उनको कैसे अच्छी तरीके से जिम्मेदारी के साथ। बढ़िया, हाँ चाहिए पीछे, हाँ हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। और कोई जोड़ना चाहेगा कुछ? दर्शन के इसमें मिनिमम मानव पद तक पहुँचे फिर ही विवाह करें। हाँ ठीक है, वो तो अभी वो है, थोड़ी परिस्थिति अनुकूल नहीं है उसके लिए, क्या करें, आयु के अनुसार भी क्या फिर विवाह रोक देने चाहिए, क्या हो जाने चाहिए? दीदी बड़ी जल्दी नहीं बोली ठीक है ना, हो जाना चाहिए, क्या सही आयु है विवाह करने की? बेटा आपको क्या लगती है सही आयु? नहीं बताओ, तो मिनिमम एज है ना, तो तुम्हारे हिसाब से क्या सही आयु क्या है, ऑप्टिमम एज फॉर गेटिंग मैरिड? 23 और 24। गुड, आप लोगों के हिसाब से? नंबर नहीं आ रहा कोई, 18 to 25, ये आयु क्यों? आपसे तो मैं क्यों पूछ सकता हूँ ना, शरीर का विकास एक बात, और शिक्षा कंप्लीट करके जो व्यवसाय भी तब तक हो जाता है। हाँ, तो व्यवसाय की कुछ तैयारी हो जाती है। बढ़िया, तो दो चीज हो गई, और कोई का आधार इसका, इस आयु का 18 से 25? युवावस्था है तो हाँ हाँ, वो तो ठीक है, वो बात हो गई कि शरीर ठीक से विकसित हो गया है ना उस रूप में। हाँ बताइए, और क्या बोल रही दीदी, बताइए ना। हाँ अच्छा, तो उससे क्या फायदा होगा फिर, तो और कम आयु में कर देनी चाहिए। नहीं, पर ये वैलिड पॉइंट है, मैं इसमें सहमत हूँ, लेकिन इसका कारण हमें समझ में आना चाहिए, इससे क्या, इसकी क्या उपयोगिता इस पॉइंट की। बात तो एकदम सही है, हाँ लचीलापन होगा, नहीं तो ज्यादा आयु में शादी हो जाएगी, हमारा व्यक्तित्व ज्यादा रिजिड हो जाएगा, तो लचीलापन नहीं, एडजस्ट नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ, है ना। आजकल शादी की आयु क्या मानी जाती है जो चल रही है, आजकल ट्रेंड क्या है, हैं? 25। अच्छा ठीक है, तो देखिए, तो वहां से शुरू करते हैं जहां से भैया ने बात की, शादी का प्रयोजन क्या है।
शादी करने का प्रयोजन क्या है? ऐसा सोच के कितने लोगों ने शादी की? अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए। इधर आने के बाद क्या पता चला? कि मानव परंपरा को बनाए रखना है। ठीक है, तो मानव परंपरा को बनाए रखने का क्या मतलब है? शरीर परंपरा, मानव परंपरा केवल शरीर परंपरा है, कुछ और भी है? दोनों है। तो शरीर परंपरा और ज्ञान परंपरा को बनाए रखना। शरीर परंपरा को बनाने के लिए प्रकृति प्रदत्त विधि से वो काम चल ही रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी, तभी तो हम लोग हैं सब। इसमें हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ये तो प्रकृति प्रदत्त विधि से होना है। ज्ञान परंपरा बनी हुई है क्या? नहीं, तो उसके लिए कुछ काम करना है। ठीक है, एक तो शादी का पर्पज़ है मानव परंपरा को बनाए रखना, है ना। अब मानव परंपरा के लिए शरीर परंपरा को बनाए रखना है, ज्ञान परंपरा को बनाए रखना है। तो शरीर परंपरा को बनाए रखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? शरीर की कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ेगा। जैसे हमारे घर में संतान आएगी, तो संतान का पोषण के लिए हमें आहार, आवास, अलंकार की वस्तुएं प्रदान करनी पड़ेंगी, है ना। शिक्षा की वस्तु प्रदान करनी पड़ेगी। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? माता पिता। तो विवाह का प्रयोजन क्या हो गया? माता पिता के रूप में प्रतिष्ठित होने का लक्ष्य। तो प्रयोजन क्या है? माता पिता के रूप में प्रतिष्ठित होना है। इससे कम में विवाह का प्रयोजन नहीं समझ में आता। कई लोग बोलते हैं साथ के लिए, तो साथ तो आप मित्र रूप में भी रह सकते, भाई बहन रूप में भी रह सकते। विवाह अगर करना है तो विवाह करने का अर्थ है माता पिता के रूप में प्रतिष्ठित होना है। वो जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आप विवाह करते हैं। ठीक लगती है बेटा ये बात? नहीं, बताओ, कुछ विचार दो, तुम क्या सोच रही हो? माइक दीजिए। हम मतलब आई गेस मतलब जो भी हमको करना है मतलब वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ही करना है। बिल्कुल, और नहीं तो क्यों करना है? एक्सेप्ट पेरेंट्स भी तो लाइफ होती है ना, मतलब इंडिविजुअलिटी भी होती है ना। हाँ, क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब मुझे तो मैरिज का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता। हाँ ठीक है, अभी आपकी आयु भी नहीं हुई है तो नहीं समझ में आता होगा, लेकिन इंडिविजुअली क्या करना चाहते हो आप? मुझे जैसे आप बोले ना कि भाई सब कुछ मैरिज के लिए थोड़ा ना है, इंडिविजुअलिटी भी कोई चीज है। हाँ, तो क्या चीज है इंडिविजुअलिटी? मतलब बेसिकली मैं तो मतलब अकेले पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ, मेरे अकेले घूमना चाहते हो। हाँ, तो फिर शादी की कोई जरूरत नहीं है, है ना? हाँ, इस अभी अभी के लिए ऐसा है, लेकिन आपने बोला ना मतलब मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब, तो मतलब खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी के को पूरा करने के लिए क्यों मैरिज करना हो? तो आप ऐसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो पूरी कर ही सकते हो। कौन सी बताइए ना। अगर अगर कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए मतलब एज अ पेरेंट, तो फिर आप मैरिज करो ना। मतलब ऐसे ही तो खाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आप फुलफिल करने के लिए मैरिज कर रहे हो तो वो सही नहीं है ना। क्यों, क्या कमी है? मेरे को समझ, अभी तक आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ में। आपने बोला कि टू बी अ पेरेंट, यू आर वी आर गेटिंग मैरिड, द पर्पस ऑफ मैरिज इज टू बिकम अ पेरेंट, रिस्पांसिबिलिटीज टू फुलफिल एज अ पेरेंट, ओके। तो सिर्फ वही रिस्पांसिबिलिटी पूरी करने के लिए मैरिज कर रहे हैं, ऐसा ही है? हाँ, ऐसा हम बोल रहे हैं इधर। हाँ, तो वो ऑप्शनल हो गया ना। अगर सपोज कि अगर किसी को मैरिज नहीं करना हो, हाँ, तो ना करे, उसका तो एक ही रीजन थोड़ी होता है। नहीं नहीं, मैरिज नहीं करना है तो अब तो कोई रीजन नहीं चाहिए। हाँ, ना करें मैरिज, मतलब खाली पेरेंट्स बनने के लिए मैरिज करना होता है। और कोई रीजन आप बताओ, और किस लिए मैरिज करना होता है, आपको क्या लगता है? आई मैरिज से एक दूसरे को भी मतलब खुद को भी आप अच्छे से जान सकते हो। कैसे? खुद को तो आप अकेले में जान सकते हो। व्हाट विल हैपन अगर कोई तो आपके साथ कोई आ जाएगा? तो अगर बेटर ऑफ होगा अपने साथ मतलब, तो वो अपने वो हमको हेल्प कर सकता है ना बेटर। अभी देखो आपके आसपास करने के लिए, आपके आसपास इतने मैरिड लोग बैठे हैं इस वक्त, इनसे पूछ लेते हैं। वो तो मतलब मुझे तो ये सब थ्योरेटिकली लगता है, थ्योरेटिकल लगता है ना। तो इसको देखो, इधर क्या मैसेज है, हम बहुत सारी चीजें अपने विचार में कोई
कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. दिस इज अ हमारा ही कॉन्स्ट्रक्ट है, मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट है, ये रियलिटी नहीं है. रियलिटी के लिए आपको कुछ सर्वे करना पड़ेगा. तो व्हाई डोंट यू आस्क मैरिड पीपल, नॉट राइट नाउ, मे बी व्हेन यू मीट पीपल यू नो जो कि तुम्हारे को ईमानदारी से आंसर दे, उनसे पूछ के देखो क्या अपनी आइडेंटिटी पता चलती है क्या. जो आप सोच रहे हो कि ऐसा होता है क्या, यह केवल आपका विचार है ना. जो आप जिस एज में हो उसमें हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटिव थॉट्स आते हैं, बट सारे थॉट्स रियलिटी के साथ जुड़े हों ऐसा नहीं है. कुछ प्योर इमेजिनेशन भी होता है, तो इसको फिल्टर करना पड़ता है किससे, इसको वेरीफाई करके, वो आपको करना चाहिए. ये स्थिति एक्चुअली अभी की जो जनरेशन है उसमें मोस्टली यही सोच रहती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आसपास का वातावरण है, आसपास के जो मैरिड लोग हैं उनकी जो थिंकिंग है उससे भी शायद ये मैसेज जाता हो. मेरी ननंद है वो 26 की है, तो उसकी तो एज मतलब वो समझ सकती है सब, फिर भी उसका ये सोचना है कि क्यों ये झंझट में पड़े, अकेले अच्छे है. ठीक बात है, ठीक बात. तो अकेले में अच्छे हैं तो अकेले रहो, है ना. तो देखिए इससे हम कहाँ कनेक्ट होता है, अभी हम जो कहाँ से बात कर रहे थे, आयु अवस्था. अब हम जब युवा अवस्था में केवल युवा तक के रूप में सोच रहे हैं तो आगे की कोई चीज सूझती नहीं. पूरे लाइफ टाइम के बारे में सोचेंगे तो फिर कुछ चीज समझ में आएगी. हम देखते ही नहीं है कि हमारे आसपास भी वृद्ध लोग हैं, हमारे आसपास भी प्रौढ़ लोग हैं, युवा हैं, बच्चे हैं. तो हर मानव इन सभी स्थितियों से गुजरता है, ठीक है. जैसे आज पूछूं मैं तो वृद्धावस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है, अकेलापन. तो जब हम वृद्ध होंगे क्या ये समस्या हमारे सामने होगी या नहीं होगी, इसका इलाज क्या है, परिवार. परिवार कहां से आएगा तब, युवावस्था में शुरू करोगे तो वृद्धावस्था में उपलब्ध होगा ना. क्यों बेटा क्या लगता है सर, एक और एक एक, एक. क्या लगता है, ठीक है ना ये बात. तो ऐसे ही तो हमारे को क्या होता है, हम जिस स्टेज में हैं बहुत मतलब नैरो माइंडेडनेस से उसी टाइम का हम सोच रहे हैं. हमारे को थोड़ा जूम आउट करना है और थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना है. कितना लॉन्ग टर्म, अपने को फ्रॉम बर्थ टिल डेथ का सोचना है और सारी लाइफ स्टेजेस का सोचना है. हर एक के लिए कार्यक्रम होना चाहिए. अब जैसे ये समझ में आता है हर मनुष्य वृद्ध होता है तो वृद्धों का सम्मान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे को भी वृद्ध होना है तो आगे जाके मेरे को भी जरूरत होगी. केवल इस डर की वजह से नहीं बट इसलिए क्योंकि ये हर किसी के लिए स्थिति है. तो सामाजिक व्यवस्था जो बनेगी हर लाइफ स्टेज को एड्रेस करने के लिए बनेगी. आज की क्या है, केवल युवाओं के लिए व्यवस्था बनी हुई है, जो शरीर से सक्षम है उनके लिए व्यवस्था है, बाकी सबको कहीं ना कहीं सेट कर दिया. छोटे बच्चों को क्रेश में डाल दो, बुजुर्गों को ओल्ड एज होम में डाल दो, दे शुड नॉट इंटरफेयर, है ना, दे शुड नॉट कॉज प्रॉब्लम. जब खुद की बारी आएगी, है ना, तब हम ओल्ड एज होम में रहना चाहेंगे या परिवार में रहना चाहेंगे. तो उसके लिए आज संबंध का निर्वाह करेंगे तो हमारे को तब संबंध मिलेगा, ठीक है ना. अगर आज की डेट में हम काम के लिए संबंध को इग्नोर करेंगे तो बच्चों को क्या मैसेज जाएगा, काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, संबंध कम है. तो जब आप बूढ़े होंगे तब काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, संबंध सेकेंडरी है, वो मैसेज उसके अंदर पहले से बैठा हुआ है, ठीक है. खैर वापस आते हैं, विवाह के लिए हम बात कर रहे थे. तो ये विवाह का प्रयोजन है माता पिता की जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए, माता पिता के रूप में स्थापित होना, है ना. तो माता पिता क्यों बनना है अब, है ना, कि विवाह करना है तो माता पिता बनने के लिए करना है, ताकि उससे आगे की पीढ़ी उपलब्ध हो, उनका शिक्षा उनका पोषण हम कर पाएं, उनको समझदार और जिम्मेदार बना दें,
ताकि वो आगे और अपनी जिम्मेदारी को निभा कर लें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो मानव परंपरा आगे नहीं चलेगी, फिर ब्रेक हो जाएगा। मान लीजिए सब लोग डिसाइड कर लेते हैं हम शादी नहीं करेंगे या बच्चे नहीं होंगे, तो शरीर परंपरा रुक जाएगी कि नहीं रुक जाएगी? फिर अगली पीढ़ी कहां से आएगी? तो ये भी एक जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो विवाह किस लिए करना है? माता पिता की जिम्मेदारी पूरी करने। और जो अपनी रियल डिस्कवरी है वो होती ही परिवार को पालन पोषण करने में, अपने व्यक्तित्व के बारे में भी पता चलता है, अपनी उस ताकत का भी पता चलता है कि हम मिलके कितना कर पाते हैं, साथ कितना चल पाते हैं, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं होता। परिवार को पालने से बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो उसके अंदर हमारी जो आप बात कह रहे हैं ना कि इंडिविजुअल की डिस्कवरी, इंडिविजुअलिटी भी उसी में निखरती है, हमारी जिम्मेदारी के साथ ही इंडिविजुअलिटी निकलती है। उससे कम में हम फ्लावर नहीं कर पाते, हम ब्लूम नहीं कर पाते। इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई ब्लूमिंग नहीं है। जैसे आप देखोगे अपनी लाइफ जर्नी को जितनी अभी तक की है, जब जब आपने जिम्मेदारी लेके उसको पूरा किया आपकी उतनी ग्रोथ हुई है, जब जब आपने जिम्मेदारी को इग्नोर किया है तब तक आपकी ग्रोथ स्टैग्नेंट हुई है। ये समझने की बात है। पर अभी क्या लगता है, जिम्मेदारी लेना समस्या है, जिम्मेदारी से बच गए तो मजा ही मजा है, ऐसी मानसिकता आ गई, ऐसा एटीट्यूड आ गया है ना। तो हर आयु अवस्था का प्रयोजन, ठीक है ना, उसमें एक निश्चित कार्यक्रम है, उसकी सफलता का एक निश्चित मापदंड है और उसकी एक निश्चित मानसिकता है। ये अगर हमारे को पकड़ में आती है, जैसे वृद्धावस्था की हम बात करें तो उसकी मानसिकता क्या होती है कि वो सबको, मतलब उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है जिसको वो शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, और हमें टाइम नहीं होता उनकी बातें सुनने का, तो हम उनको अवॉइड करते हैं, अरे बैठेंगे तो भाषण सुनाएंगे, ऐसा सोचते हैं हम, है ना, तो हम उनके लिए कोई कार्यक्रम ही नहीं बना पाते। छोटे बच्चे होते हैं उनको सारा टाइम ध्यान चाहिए, सारा टाइम कोई ऐसा चाहिए जो उनको बताए क्या करें, हम उनको भी हम ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि हम व्यस्त हैं, युवा पीढ़ी या प्रौढ़ पीढ़ी। तो हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं और जो वृद्ध हैं इनकी पूरकता है, एक ध्यान देना चाहता है एक ध्यान लेना चाहता है, अगर इनका एसोसिएशन बना देते हम परिवार व्यवस्था में तो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं ना, इतना ही तो सोचने की बात है, ठीक है। तो ऐसे अगर हमें मानसिकता का ध्यान समझ में आता है, कैसी मानसिकता है किस आयु अवस्था की, तो उसके अनुसार हम कार्यक्रम विकसित कर सकते हैं, है ना, उसके अनुरूप कार्यक्रम हो सकता है, उसके अनुरूप व्यवस्था हो सकती है उसको पूरा करने के लिए। तो ऐसे ही जो 5 साल से 10 साल का बच्चा वो आज्ञा पालन में रहता है तो हमारे लिए पेरेंट के लिए बड़ा कंफर्टेबल है, जो बोलते हो करता ही है, पर उससे आगे जाता है तो वो अब आज्ञा पालन छोड़ देता है, अब वो क्वेश्चन करने लगता है, इससे हमें परेशानी होती है कि अब मेरी बात नहीं मानता, है ना। तो अब हमारे को ये देखना है कि किस मानसिकता में आ गया, उसके अनुरूप हमारा कार्यक्रम होगा ना। अभी आज्ञा पालन में नहीं चलेगा तो पहले से ही तैयारी कर ले, हम पहले से ही हम वो रास्ते बना लें डायलॉग के, जब वो आज्ञा पालन में है कि बेटा समस्या होती है तो बात करना है। ये कब होगा? ये बाल्यावस्था में ही करना पड़ेगा, आज्ञा पालन की स्थिति में ही उसके साथ संवाद की अभ्यास में वो आ जाए, ताकि जब अनुशासन की जगह पे आएगा, जब वो क्वेश्चन करना शुरू करेगा, भाई बेटा समस्या बैठ के बात करनी पड़ेगी, तो स्वीकार लेगा क्योंकि उसको पहले से अभ्यास है। उस वक्त जब वो आर्ग्यू करने लगा आप तब बोलोगे नहीं बैठ के बात करेंगे, और उसको आदत नहीं है तो बोलेगा नहीं मेरे को नहीं बात करनी, या तो मेरी बात मानो या मुझे जो करना है करने दो। तो समझदारी है योजनाबद्ध विधि से जीने का नाम। तो जब हमारे को चीज़ें समझ में आती है तो हम प्लानिंग करके चीज़ों को व्यवस्थित करके चलते हैं।
अब जैसे ही टीन एज में आएगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर शुरू होंगे। अब इसकी अगर हमने पहले से तैयारी की हुई है, बातचीत कर रखी है, इसको हम एड्रेस कर सकते हैं। अब देखिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड संबंध इसमें सात संबंध में तो नहीं आता कहीं, क्यों नहीं आता? संबंध नहीं है तो बच्चों से पूछो आप आज कॉलेज में, सब बोलेंगे ये तो बहुत पावरफुल संबंध है, पूरी जिंदगी हिला रखा है इसने। क्यों बेटा ऐसा चलता है ना, बहुत पावरफुल है ना इस वक्त? नहीं मैं मजाक नहीं है, मैं सीरियस हूं। उनकी उस एज में वो बहुत पावरफुल चीज है। तो अब इसको क्या किया जाए? आप उस वक्त बोलते कि ये तो नहीं होना चाहिए, उसको लगता है सब कुछ ही इसमें होना चाहिए, दुनिया का मीनिंग इस संबंध से उसको लग रहा है। उस वक्त आप बोलते हैं नहीं ये तो गलत है, वो कैसे स्वीकारेगा इसे? क्या हो रहा है? हमने उसकी कोई तैयारी नहीं की है, जो घटना दुर्घटना घट रही है घटना की बजाय तब हम उससे परेशान होकर कुछ कर रहे हैं। तो हमारा